ये सर आपके क्षेत्र में दो को आंगनबाड़ी है, सामने वार्ड नंबर 10 का आंगनबाड़ी 145 और ये कोट संख्या कितना है 14। दोनों में सर दोनों में सेविका मौजूद नहीं है, जबकि 10 हो रहा है, टाइम 9 बजे का है। अभी सर्वे कर रहे हैं आंगनबाड़ी में कि आंगनबाड़ी से जो भी चीज़ें हैं जो कुपोषित बच्चों के लिए आता है बाल विकास योजना से, वो बच्चों तक सही से पहुंच पाता है कि नहीं। हमारे नज़दीक मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हरेंद्र कुमार है जी। और प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं आप? शिशु शांति निकेतन चलाते हैं। कौन सा स्कूल है? शिशु शांति निकेतन। हाँ, अभी लगधरवा का हल्ला है सर। हाँ, ऐसे में आप बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, लाने जाने में कोई दिक्कत? लेके घर जाते हैं और लेके रखते हैं वहीं पर बस। और इनके गार्जियन का कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसे नहीं जाने देंगे स्कूल? नहीं नहीं, गार्जियन कहता है कि सर आप आके ले जाइए और रख लीजिए। हाँ, क्या कि बहुत चिंतित होते हैं इस मौसम में, रहता है गार्जियन भी चिंतित रहता है कि बच्चे के रास्ते में क्या होगा, नहीं होने वाले हैं। तो आप स्कूल, आपका जो स्कूल है कितने क्लास तक पढ़ा रहे हैं? 5 तक चल रहा है। 5 तक चल रहा है। ये लोकेशन कौन सा है आपका, कहाँ पे स्कूल है ज़रा बताइए? डुमरी चक नहर के पास, पोखर, डुमरी चक पोखर के पास। चलिए, आप अपना नाम क्या हुआ आपका? मानती देवी नाम है। मानती देवी नाम। ये वार्ड नंबर बताइए? वार्ड नंबर 10 नंबर। 10 नंबर। आंगनबाड़ी से आपको क्या लाभ मिलता है, क्या लाभ नहीं मिलता? एगो कैसे कैसे घीच फिर के एगो लड़का के कपड़ा देलक आ ओहो में बोलू अब ना मिलता, जे जे लड़का के हुआ जतै सेकरे मिलतै आ एक किलो चाउर मिलै छै, एक पुआ दाल मिलै छै, एक पुआ सोयाबीन मिलै छै डिब्बा से नाप के। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में जो बोल रही हैं कि एक के किलो चावल मिलता है? डेढ़ किलो चावल, आधा किलो दाल, आधा किलो दाल देते हैं। झूठ ना बोले के कोई आदमी के डेढ़ किलो हो जाए चावल, डेढ़ किलो हो चार डिब्बा से नाप के दे, तौल के ना दे डिब्बा। छुट्टी के समय सहायिका पहुंचाने आती है बच्चा? वो आता है, आती है ना, घर घर जैसे ले जाती है वैसे पहुंचाने आती है? आती है, कोई नहीं बोलेंगे हम लोग, जो चीज है सही है उसको सही बोलेंगे, जो गलत है उसको हम लोग गलत देंगे। कहेगा कि फल फूल जो बात बोलते हैं, माछ मछली ये सब, फल फूल गर्भवती महिला को देना है अगर 3 महीने का किसी को गर्भ है, खाने पीने का पैसा 5,000 रुपया आता है या फिर फल फूल आता है आंगनबाड़ी संस्था से? कभी कुछ नहीं, तीन चीज मिलता है, दाल चावल सोयाबीन, यही है, इससे बढ़ के आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप विस्तार से बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं। हम तो बोल ही दिए हैं। क्या कि कुछ छोड़ रहे, तीन सामान छोड़ के कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो कौन कौन से चीज? दाल है, सोयाबीन है, चावल है, उसके अलावा तो हम कुछ देखबे नहीं कर रहे हैं क्या चीज मिलता है नहीं मिलता है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे आंगनबाड़ी के लिए कि क्या ध्यान देना चाहिए उनको? अगला से कहना है कि मतलब हमेशा खिचड़ी नहीं दी जाए, दाल भात सब्जी हर चीज थोड़ा बदल बदल के फल फूल जो आप लोग का सरकार से मिल रहा है वो चीज खिलाया जाए बच्चा जी। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बात बताएं भाई मेरे आप कि कुपोषित बच्चों का विकास तभी हो पाएगा जब सभी तरह के विटामिन मिलेंगे, खाली खिचड़ी खाने से विकास और हेल्दी शरीर नहीं रहता। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? यही बात है, और एक ही सामान जो जो वहाँ से आता है सरकार से उसको आग्रह है आंगनबाड़ी से आपका कि मिलना चाहिए जी। बिल्कुल, यही होना भी चाहिए। मिलता है क्या क्या चीज आपको मिलता है? डेढ़ किलो चावल, आधा किलो दाल, एक पुआ सब्जी। आंगनबाड़ी में आप क्या सुधार देखना चाहते हैं? जैसे आंगनबाड़ी में सुधार यही देखना चाहते हैं, जब बच्चा वहाँ जाता है तो उसको नाश्ता वगैरह जो भी मिलता है वो नहीं मिलता है। बिल्कुल, नाश्ता मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार जो है उसको नाश्ता मिलना चाहिए। वो जो भी वही खिचड़ी खाना में मिलता है उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। बात तो सही, एकदम बात सही, एकदम बहुत 100% सही बात बोले। अगर नाश्ता मिलेगा तो कुपोषित बच्चों का अच्छा से पोषण होगा, है ना? और जी जो मेन टॉनिक वाला पोषण आहार है वो नहीं मिलता है, वो आंगनबाड़ी है। हाँ, एक साथ दो आंगनबाड़ी है, एक में है कोड संख्या 145, केंद्र चक डुमरी है, वार्ड 10 का ये आंगनबाड़ी है, यही ना? और ये कौन सा वाला आंगनबाड़ी है, कोड संख्या 14 का है। चलिए, अभी 10 का वार्ड नंबर है ना, ये 10 के लिए। चलिए, सहायिका हैं, सेविका हैं आप? सहायिका हैं। क्या नाम है आपका? समीता देवी। सेविका जी कहाँ हैं आपकी? सेविका क्या बज रहा है अभी, टाइम देखिए कैमरा में दिखाइए, टाइम कैमरा में दिखाइए ना, 10:04 हो रहा है।
कितने बजे से सेंटर है? 9 बजे से। कितने बजे से सेंटर है? 9 बजे से। 9 बजे से सेंटर है। आप बता सकते हैं कि सहायक सेविका गई है कहाँ? कहाँ होंगी? घर पर हैं। और अभी तक आके गई हैं या फिर आई ही नहीं? कहाँ है अभी? नहीं आए। आप सहायिका हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या बज रहा है अभी सो बताइए। 10 बज रहा है। आज जितिया किए हुए हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं? हाँ, यही ना। आप ये कोड संख्या कौन सा है? 14 है। अब बताइए, बच्चा आपका आया हुआ है, सहायिका पहुंची हुई है, सेविका गायब है, है ना? बच्चों की संख्या किए, गिनती किए? हाँ। कितना है? 23। और सेविका का क्या नाम है आपके? 25 को। गिनती में गड़बड़ाइएगा नहीं, नहीं 25 को। और घबराइए नहीं, हम भी कोई ऊपर से आपके अधिकारी नहीं आए हुए हैं, लेकिन जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है कि सेविका और सहायिका टाइम से पहुंच रही नहीं पहुंच रही है। काहे कि अभी लगधरवा का हल्ला है, सुन रहे होंगे आप लोग। ऐसे में बच्चों की काउंटिंग, ले जाना, पहुँचाना, ऊपर से सेविका का टाइम से आना, सहायिका के टाइम से आना, ये बहुत ही ज़रूरी है अभी, है ना? तो आपकी सेविका अभी नहीं है। टाइम आपके पास मोबाइल है क्या? कहाँ है, लेके आइए। देखिए सर, आपके क्षेत्र में 2 आंगनबाड़ी है, सामने वार्ड नंबर 10 का आंगनबाड़ी 145 और ये कोड संख्या कितना है? 14। दोनों में सर, दोनों में सेविका मौजूद नहीं है, जबकि 10 हो रहा है, टाइम 9 बजे का है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, सो बोलिए। आइए करीब आइए। अभी जो जीतिया का जो पर्व चल रहा है जी, हम लोग तो यहाँ का लोकल हैं, बराबर देखते समय से आते जाते हैं। पर्व के कारण महिलाओं को थोड़ा कठिनाई होती है। अभी सुबह में जो बर्थ तोड़ना था सब लोगों को जी, तो इसके वजह से लेट से आधा एक घंटा हो सकता है, लेकिन बराबर समय से। आप अपना नाम बता दीजिए। हरिंदर राम मेरा नाम है जी, ग्रामीण हूँ मैं जी। हो गया, तो आप इन लोगों को क्या बताना चाहेंगे दोनों सेविका के बारे में, सो बताइए। हम यही कहेंगे कि बच्चे को समय से लाया जाए, समय से पढ़ाया जाए, रखा जाए, और जो भी इनका जो सुविधा मिला है वो मुहैया कराया जाए सब बच्चों को। और अभी तक हम लोग देख रहे हैं जो कभी लेट से नहीं होता, हम तो बराबर रहते हैं, हम घूरते रहते हैं, कभी भी लेट नहीं होता है। आज पर्व के कारण ऐसा हो रहा है जी। जी चलिए, ये तो अच्छी बात है। कितना टाइम हो रहा है सो आप बताइए। 10:14 पर सेविका नहीं है। हमेशा करती हैं ऐसा या फिर आज हुआ है? आप तो सहायिका हैं, आपको सब खबर है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, सो बताइए। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है। चलिए अच्छी बात। और एक और शिकायत मिला है कि बच्चों को नाश्ता आपके यहाँ नहीं मिलता है। अभी सेविका होती है, सवाल सेविका से पूछा जाता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों को नाश्ता नहीं मिलता। लाते हैं समय से जी, फिर समय से यहाँ से ले जाते हैं, साथ में ही ले जाते हैं। अब उनका खाना देना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। जितना खाना देंगे उतना हम यहाँ बना के देंगे। तो खाना आपके यहाँ सही बन रहा है ना? हाँ। वो दे तो रही है सही? हाँ। बन रहा है, कोई शिकायत नहीं, नहीं। चलिए अच्छी बात। तो अभी फिलहाल ऐसा तो नहीं हुआ कभी जो आंगनबाड़ी पर सर्वे के लिए पहुँचे और सेविका न हो। भले सहायिका मिस रहती हैं वो अलग सी बात है, सेविका मिस नहीं रहती, लेकिन कोई कारणवश अभी समझ लीजिए कि कोड संख्या 145 और कोड संख्या 14 है ना, दोनों में सेविका अभी नहीं आई है, अनुपस्थित है उनका, और अभी तक कोई लेखा जोखा इनका नहीं है, कोई कारण ठोस नहीं मिला है। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, सेविका दोनों में मौजूद है। अपने से जाके बच्चा को लेके आए थे ना आप? हाँ। आपसे सर एक और सवाल कर लेंगे कि अभी सेविका आए तो आप अपनी तरफ से क्या राय उनको देना चाहेंगे? राय देंगे जो समय से आए और समय से जो उनका ड्यूटी मिला वो निभाए, और क्या जी। काहे कि सेविका का ना आना सहायिका को उतने अच्छी पद पर नहीं रखा गया, उनको उतना अधिकार नहीं दिया गया। अभी जिला से 2 अधिकारी निकले हुए हैं, अभी जिला से 2 अधिकारी निकले हुए हैं, अगर वो पहुंचते हैं तो फिर सेविका के लिए बहुत बड़ा समझे कि पहाड़ टूट पड़ेगा परेशानी का। सही है, मान रहे हैं, लेकिन कारण यह है जो सब लोग जानते हैं जो बर्थ जो होता है महिलाओं के लिए और जीतिया जो पर्व है बहुत कठिनाई है। सुबह में जो नहा धोआ के पूजा उजा करके जो आना होता है, इसके वजह से थोड़ा विलम्ब है, लेकिन हम जानते हैं जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जो विलम्ब है, क्योंकि हम इसी लोकल क्षेत्र के लोग हैं जी। हमें सेविका के कोई आप हैं क्या, रिलेटिव हैं? नहीं, हम सहायिका के पति हैं, लेकिन हमको सवेरे कह के गए हैं वो
कि हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। आप सहायिका के कोड संख्या 145 या 14 145 के आप पति हैं, है ना जी? और हमें भी बोलना है इसी में, 145 कोड संख्या के सहायिका के पति हैं आप, और इनका कहना है कि सेविका डॉक्टर के यहाँ गए हुए हैं, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा अच्छा, तबीयत ख़राब होने की वजह से इमरजेंसी में गई हुई हैं, ठीक है। आपके सेविका का क्या हाल है? आप फ़ोन लगाएं उनको, कहाँ हैं? फोन नहीं लगाए हम जी। बुलाइए, आप उनको बुलाइए, दो चार सवाल पूछा जाएगा उनसे। मैम आ रही हैं, खाना खा रहे हैं। चलिए, अब जो सच है सो तो दिखा दिए हैं। बच्चा को एक बार और मुआयना कर लेते हैं चल के कि बच्चा किस स्थिति में है। आप बच्चा का सहायिका आप काउंटिंग किए हैं? बच्चा का आपके पास कितना बच्चे बैठा हुआ है अभी? 25 गो बच्चा, 22 गो रहेगी। 22 गो है या 25 गो है, दोनों में से कोई एक चुनिए। अभी तो कम है बच्चा का। बच्चा सर 22 गो बच्चा रहे घर भाग गए? नहीं, घर ऐसे नहीं भागना है। सहायिका को यही ख्याल रखना है कि आया हुआ बच्चा बिना आपके अनुमति के घर न जाए, ठीक है। वैसे आप यहाँ बैठिए, सारे बच्चों का काउंटिंग करके और बैठिए। एक बच्चा देखिए, सभी का नाम याद रखना इम्पॉसिबल है आपको, क्या 50 बच्चा 40 बैठता है, सबका चेहरा और सबका नाम याद रखना आपके लिए कठिन है, लेकिन गिनती याद रखना संभव है। इसलिए सभी का क्या कीजिए, आप गिनती को करिए और गिनती हाथ में रखिए, और एक भी बच्चा गिनती में कम होता है तुरंत आप एक्शन लीजिए, गया कहाँ? इतनी ही पेशाब करने के बहाने गया, लगधरवा का हल्ला है, कहाँ गया भाई? घर गया तो घर सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या रोड पर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गई, या आपका जिम्मेवारी है या नहीं है, है ना? तो काउंटिंग आप रखेंगे, ठीक है। और अच्छी बात है कि आप टाइम से पहुँचे हैं, मैम नहीं है आपकी,